नमस्कार दोस्तों, पटना रांची वंदे भारत ट्रेन इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन पटना रांची ट्रेन के साथ एक बड़ी दुर्घटना भी सामने आई है। उद्घाटन होने से पहले पटना रांची ट्रेन के इस प्रकार का हादसा होना कहां तक सही है? आखिर इस ट्रेन के साथ क्या हुआ जिसे हादसे का नाम दिया गया है? तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, ट्रायल के दौरान कोडरमा के पास वंदे भारत ट्रेन जानवरों से टकरा जाती है। तो सोमवार को पटना रांची पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड ट्रायल हुआ। ट्रायल रन के दौरान ही पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो जाता। मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा के पास ट्रैक पर अचानक नील गाय और गाय देखने से रेलकर्मी सतर्क हो जाते हैं। पटना जंक्शन से खुली ट्रेन 8 बजे और गया 12:35 बजे रांची स्टेशन पर पहुंची दोपहर 2:20 पे और पटना के लिए रवाना हो गई। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है, लेकिन अधिकतम स्पीड में नहीं चली। पटना से गया तक 110, बरकनाना हजारीबाग तक 90 और रांची तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाई गई। लेकिन आज सुबह ट्रायल रन के दौरान बड़ी संख्या में लोग पटना जंक्शन पर जुट गए थे। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बिहार के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। इसे चेन्नई से लाया गया है, जिसे राजेंद्र नगर टर्मिनल के यार्ड में सुरक्षित रखा जाना है। बताया जा रहा है कि जून महीने के आखिरी सप्ताह में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होना है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ट्रेन कब से शुरू होती है। और आपको बता दें, इन ट्रेनों से दोनों राज्यों के लोग 5 से 6 घंटा में पटना से रांची और रांची से पटना जा सकेंगे। लेकिन उद्घाटन से पहले इस प्रकार की घटना होना कहां तक सही है? आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।